ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। तो तथा कथित कथावाचक बागेश्वर धाम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बिहार से होगी। बिहार से क्यों होगी भला? आखिर क्या वजह है कि बागेश्वर धाम भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक हथियार बने हुए हैं, और बिहार पर रहमो करम क्यों? इसके लिए आपको गौर करना पड़ेगा कुछ तस्वीरों पर। ये वीडियो देखिए दोस्तों। बिहार पहुंचते हैं बागेश्वर धाम, और वहां पर उनकी आरती उतारी जा रही है, और आरती उतारने वालों में कौन कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन कौन है साहब? स्क्रीनशॉट में देखिए, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे, सम्राट चौधरी, राम कृपाल यादव, विजय कुमार सिन्हा, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं दोस्तों। माननीय रिंकिया के पापा यानी सांसद मनोज तिवारी जो हैं, उनके ड्राइवर तक बने हुए हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, बागेश्वर धाम से कई साल उम्र में बड़े रविशंकर प्रसाद आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि बिहार पर क्यों निगाह है बागेश्वर धाम की। और यही नहीं दोस्तों, बागेश्वर धाम वहां पहुंचते हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप उस पर एक बयान देते हैं, विवाद पैदा हो जाता है, आरजेडी के नेता भी उसका विरोध कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बागेश्वर धाम लगातार राजनीतिक बयान दे रहे हैं, और वो राजनीतिक बयान क्या है? पहला बयान मैं आपको सुना चुका हूं, बाकी वो क्या क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। मगर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर क्यों बागेश्वर धाम इस तरह से बिहार पर निशाना साध रहे हैं। तो कुछ तस्वीरों पर गौर कीजिए, नीतीश कुमार को देखिए, अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से मिल रहे हैं, इसके अलावा उद्धव ठाकरे से हाल ही में मिले। नीतीश कुमार विपक्ष को एक लड़ी में पिरोने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। और फिर बिहार वो राज्य है जिसने जातीय जनगणना करवाने के लिए पेशकश की, यह बात अलग है कि अदालत ने उस पर पानी फेर दिया, वो एक अलग मुद्दा है। मगर जातीय जनगणना की जो पेशकश है या शुरुआत है वो बिहार ने की। तेजस्वी और नीतीश सबसे आगे आए, खास तौर से तेजस्वी। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जातीय जनगणना जातियों में, खासकर पिछड़ी जातियों में, इस तरह एका लाएगी कि उसका जो पूरा का पूरा धार्मिक पैंतरा जो है, हिंदुत्व का पैंतरा, वो फेल हो जाएगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बागेश्वर धाम को मैदान में उतारा है, और वो बागेश्वर धाम लगातार राजनीतिक बयान दे रहे हैं। पहला राजनीतिक बयान तो वो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत जो है वो बिहार से होगी। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, अगला बयान जो है उस पर गौर कीजिएगा। वहां पर बागेश्वर धाम ने अपनी तमाम हदों को पार कर दिया है। वो क्या कहते हैं सुनिएगा। हिंदू राष्ट्र कैसा होगा के सवाल पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि जिस दिन भारत की दो तिहाई सनातनी हिंदू जाग जाएंगे और अपने वोट का इस्तेमाल और अपना अधिकार समझने लगेंगे, उस दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। न तो हम राजनेता हैं और ना ही हम किसी का समर्थन करते हैं। हिंदू राष्ट्र हम पेपर पर नहीं, हिंदू राष्ट्र हम हृदय से चाहते हैं, ताकि हमारी संस्कृति सुरक्षित रह जाए। दरअसल रविवार रात 11:55 पर बागेश्वर धाम ने फेसबुक लाइव किया, और उसी फेसबुक लाइव में उनसे सवाल पूछा गया। यहां पर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा, वो क्या कह रहे हैं। जिस दिन भारत के दो तिहाई सनातनी हिंदू जाग जाएंगे और अपने मत और अधिकार समझने लगेंगे, मत अपना वोट। अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं, वो वोटों की बात कर रहे हैं, और बिहार में पहुंचकर वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है। इस पर राजद की तल्ख टिप्पणी आएगी, नीतीश कुमार की पार्टी की तल्ख टिप्पणी आएगी। अब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आप बागेश्वर धाम के लिए कब समय निकालेंगे, तो इस पर तेजस्वी यादव क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। हम बिहार की जनता की सेवा और काम करने में अपना समय लगा रहे हैं, जहां हमारा समय उपयोगी होगा हम वहां समय देंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की जीत पर कहा, जिस तरह से कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को धूल चटाकर कांग्रेस को मौका दिया है, इससे साफ पता चलता है कि अब बीजेपी का पतन का दिन आ गया है। कर्नाटक में बीजेपी की ही हार नहीं हुई है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम बीजेपी के सहयोगी दलों की भी हार हुई है।
दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कर्नाटक में हार सिर्फ बीजेपी की नहीं थी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे श्रद्धेय हनुमान जी को एक हिंसक संगठन से जोड़ा था, यानी कि धर्म को और उग्र किया जा रहा था, और इन सब कोशिशों के बावजूद उनकी हार हुई। प्रधानमंत्री ने खुलेआम चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया, धर्म के नाम पर वोट मांगा, फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मगर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, भारतीय जनता पार्टी नहीं सुधरती। अब उसे लगता है कि हम इसी तरह से कथावाचकों को मैदान में उतारेंगे जो हमारे लिए राजनीति करेंगे, और सोने पे सुहागा, अगले साल जनवरी को राम मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। आज मैं एक भविष्यवाणी करने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आप देखिएगा, आने वाले दिनों में बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से भाजपा की पिच पर खेलेंगे, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी। और चूंकि कांग्रेस के नेता खुद बागेश्वर धाम के दरबार में जाते हैं, कमलनाथ खुद उनके सामने नतमस्तक होते हैं, तो कांग्रेस तो उसका विरोध नहीं करेगी। मगर बागेश्वर धाम खुलेआम इस तरह के जो कथा वाचना करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर वोट मांगेंगे, आप देखिएगा। और बात वहां नहीं रुकेगी, सिर्फ बागेश्वर धाम की बात नहीं है, इसी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा कई कथावाचकों का, और ये कथावाचक अपने भाषणों में खुलेआम भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। इसके एक राजनीतिक मायने भी है दोस्तों, वो राजनीतिक मायना क्या है कुछ देर बाद इंतजार कीजिएगा। मगर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है दोस्तों, क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड आपके स्क्रीन पर। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता बोले, धर्म गुरुओं का काम ये नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि कर्नाटक में इनका प्रभाव क्यों नहीं फैला, उन्हें यह बताना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में लोगों ने इनका आशीर्वाद ठीक से नहीं लिया। धर्म गुरुओं का काम यह नहीं है, उन्हें स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद देश के आइकन माने जाते हैं, अच्छा रहेगा उनके लिए। ऐसे विषय पर देश के संविधान को अधिकार दिया गया है, धर्म गुरुओं को ऐसे विषयों पर बोलने का अधिकार नहीं है। पहले संसद में जाएं, फिर ऐसे बयान दे, दो तिहाई लोगों का पैमाना क्या होगा। क्योंकि बागेश्वर धाम खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बागेश्वर धाम ये भी कह रहे हैं कि जब दो तिहाई लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तब ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, यानी कि साफ तौर पर इस देश के संविधान की अनदेखी। यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, इस तरह की भी शायद वो बयानबाजी कर रहे हैं। इससे उनकी नियत का पता चलता है। मगर मैं जानता हूं कि आपके जहन में एक सवाल होगा, जिस तरह से कथावाचक खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, क्या यह कोई नई बात है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलना चाहूंगा, बात है 90 के दशक की दोस्तों। मुझे याद है मैं उस वक्त कॉलेज में हुआ करता था और उस वक्त बाबरी नहीं ढाया गया था। घरों में कई लोग जाते थे और राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करते थे। मुझे अब भी याद है कि मेरे घर लोग आए थे और ये सब व्यापक पैमाने पर हुआ था। बड़े पैमाने पर ईंट पहुंचाई गई थी राम मंदिर के निर्माण में। और ये ना भूलिए, आज से 2 साल पहले 2020-21 में भी अचानक इस बात में तेजी आई थी। घर घर में लोग पहुंच रहे थे राम मंदिर के नाम पर पैसा इकट्ठा करने। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये काम 90 के दशक से हो रहा है दोस्तों, क्या इस बात का कोई ऑडिट है कि हमारी श्रद्धा हमारी आस्था के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया है, क्या वो सारा पैसा राम मंदिर में लगा है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ऐसा कोई ऑडिट नहीं है दोस्तों। मैं जानता हूं आप में से कई लोग क्या कहेंगे कि भाई राम का कोई ऑडिट नहीं हो सकता। बिल्कुल, भगवान राम की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, बात यह किया जा रहा है कि राम की आस्था के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर जो पैसे इकट्ठा किए गए हैं वो पैसे कहां गए हैं? क्या वो राम मंदिर के निर्माण में गए हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी की जेब में चले गए और उसी पैसे से विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, विधायकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आशीर्वाद पहले से ही मिल रहा है। वो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसमें से 70% भाजपा की जेब में जाता है,
तो हमारी आस्था के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया है उसको लेकर क्या ऑडिट है? कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, धर्म का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए हमेशा करती रही है। राम का इस्तेमाल 90 के दशक से हो रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप और हम लगातार देखते रहे। अब इन्हीं कथावाचकों को मैदान में उतारा जा रहा है। बड़ा प्रश्न ये कि क्या मुझे बागेश्वर धाम पर आपत्ति है, क्या मुझे कथावाचकों पर आपत्ति है? तो इसका जवाब सुनिए। जो सो कॉल्ड कथावाचक मंच पर बैठकर अनर्गल कहेगा, अनाप शनाप कहेगा, कुछ भी कहेगा, माफ कीजिएगा, उसके लिए मेरे दिल में इज्जत नहीं हो सकती, मगर मेरे दिल में ब्रह्म कुमारी की शिवानी के लिए इज्जत है, क्योंकि आप उनके मुंह से कभी भी कोई अपशब्द नहीं सुनेंगे। मुरारी बापू को सुनिएगा, किस तरह से उन्होंने रामायण की व्याख्या की है उसे सुनिएगा आप कभी, और सुनते भी होंगे, या कभी आपने उनके मुंह से कोई गाली गलौज सुनी है? सुनेगा श्री श्री रविशंकर को। अब हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी निकटता रही हो एक जमाने में या अब भी हो, मगर कभी आप उन्हें बोलते हुए सुनिए, कभी भी किसी अपशब्द का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं या उग्र नहीं होते हैं। कहने का अर्थ क्या है, हमारे इस देश में कथावाचकों की एक लंबी परंपरा है। इस देश को याद रखना चाहिए कि जब जब हमारी आस्था का खिलवाड़ हुआ है ना, तब तब या तो आसाराम जैसे परिणाम हुए हैं या राम रहीम जैसे। आज ये दोनों जेल में हैं, गुनाह साबित हो गया है, हत्या का भी और बलात्कार का भी। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हम चाहते हैं कि हमारी आस्था का ऐसे ही खिलवाड़ होता रहे? इसलिए जब हम किसी को अपने सिर पर चढ़ाते हैं तो हम हकीकत से खुद को दूर नहीं कर सकते। हमें यह देखना होगा कि यह कथावाचक क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता बनकर रह गए। हमें इस बात से बाज आना चाहिए, इन कथावाचकों को भी इस बात से बाज आना चाहिए। हकीकत सिर्फ यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।